ये मैं रख सकती हूँ अपने साथ। हाँ हाँ। यहाँ पे अपना नाम लिख दो यार। अभी मैं रजनीश भाई के ब्लॉग देख रहा था ना, ये सब हम निकाल के एक एग्जीबिशन में लगाने वाले। तो भाई अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और अभी सुबह से बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था मैं, तो अभी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। वैसे अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो 1-1.5 महीने चलेंगे, तो 1-1.5 महीने ऐसा कुछ वीडियो आने नहीं वाले, उसके बाद अपन लपक के वीडियो बनाएंगे। बाकी आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ स्पेशल करे, प्रैंक करे या फिर कुछ स्ट्रेंजर का स्केच बनाए। वैसे अपना यार स्केच कम्प्लीट हो गया, मैंने इस पे वीडियो बना रहा था प्रॉपर, बट वो वीडियो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा उसमें देखने में, सिर्फ टाइम लैप्स से चल रहा है। तो मैंने एक मैजिक टाइप का वीडियो बनाया कि ऐसा ऐसा मैं करता हूँ तो चेंज हो जाता है, तो वो 1-1.5 मिनट का ये वीडियो के पहले मैंने अपलोड करा था, तो वो आप जाके देख सकते हो। बाकी अपने स्केचेस कैसे लग रहे हैं, लाइटिंग वाइटिंग करके रखा मैंने गोल्डन और इधर भी गोल्डन वाला अपने स्टैंड, क्या बोलते हैं इसको, रिंग लाइट लगा के रखा है। यहाँ पे एक लैंप है और ऊपर एक नॉर्मल है, गोल्डन बढ़िया लगता है यहाँ पे क्या। और ये पिंक वाला बंद कर देता हूँ ना, तो और भी ज्यादा गोल्डन अच्छा लगता है ऐसा वाला लाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो। बाकी अभी सोच रहा हूँ कि दो जो ट्यूबलाइट आती है ना, एक रेड और एक थोड़ा ब्लू और ग्रीन कलर की, वो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, मैंने एक गाने में देखा था। तो ऐसा कुछ ट्यूबलाइट लाके यहाँ आप कहीं पर हम नीचे लगा दे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। पहले क्या मेरा गेमिंग रूम लगता था, अभी तो ऐसा लगता है कि भाई स्केच वाला रूम है, स्केच पहले गेमिंग का था, जो नीचे लाइट जलती थी आरजीबी बहुत ही बढ़िया लगता था पहले। बाकी अब फाइनली अपना टाइम आ गया है इस बैग को निकालने का, ये बहुत दिन से मेरे को इच्छा हो रही थी कि इसको निकालूं और यूज करूं। ये मैंने मेन तो इसीलिए लिया था ताकि मैं इसमें शीट और पेंसिल रबर रख के किसी का स्केच बना पाऊं। तो अपने बैग में सामान रख लेते हैं स्केचिंग के लिए। वैसे तो ड्रॉइंग करने के लिए बहुत सारा सामान है, बट इतना सामान अपन ले जाएंगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ले जाने वाले अपन। सबसे पहले जो मेन चीज है वो ये शीट है, तो शीट को मैंने इसके साइज का काट लिया है, थोड़ा सा बड़ा है, बट शीट अगर इससे भी छोटी हो जाएगी ना तो फिर मजा नहीं आएगा ड्रॉ करने में, इसलिए मैंने इतने साइज का रखा है। इसको कैसे ना कैसे करके अभी अपन इसमें फिट कर देंगे थोड़ी देर में। उसके अलावा दो मैकेनिकल पेंसिल है, एक 0.5 mm की है और एक 0.7 mm की है। 7 mm की जो रहती है ना वो थोड़ी सी मोटी रहती है और डार्क रहती है, 5 mm की थोड़ी सी पतली रहती है और थोड़ी लाइट रहती है। दोनों पेंसिल के अलावा एक रबड़ है अपने पास, ऐसे बाहर आ जाता है, अभी आ नहीं रहा। बाकी इसके अलावा एक ब्लेंडर है ये, और ये च्युइंगम जैसे दिखने वाला रबड़ है, ये तो काला हो गया, अपने पास नया भी है, 40 रुपए का आता है ये। मैं इसको थोड़ा थोड़ा यूज करता हूँ ताकि पूरा काला ना हो जाए इसलिए। और भाई सही बता रहा हूँ, जब से मैं स्केच बना रहा हूँ ना तब से सिर्फ मैं 2 बार ही रबड़ लाया हूँ, 1 बार का तो इतना से ही खत्म हुआ है और 1 बार का पूरा खत्म हो गया था। तो इसका पूरा डब्बा रख लेते हैं। एक ब्लैक पेन रखेंगे, यार मार्कर लाना है, अभी तो ये रखे हुए बट इतने से बहुत ही कम चलते, तो एक मार्कर रख लेते हैं, मोटा वाला है, पतला वाला तो पूरा ही खत्म हो गया है। इनके अलावा एक ब्रश है जो कि ब्लेंडिंग के काम आता है, ये पेंट ब्रश है, तो इसको रख लेंगे पेंट, वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या यूज आ रहा है। और लास्ट में सबसे मेन चीज रखेंगे चारकोल पेंसिल हेयर्स बनाने के लिए। मेरे पास एक और चारकोल पेंसिल थी बट वो टूट गई, मैं घर पे यूज करता हूँ इसको भी। सिर्फ इतना ही सामान रखेंगे। अब मेन जो प्रॉब्लम है ना वो ये आ रही है कि कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार ऐसे ही रहता है, मैं जाता तो हूँ, अभी इसके पहले भी मैं 2-3 बार गया था बनाने के लिए, बट कोई मिलता ही नहीं है, या फिर मिलता भी है तो अजीब गरीब स्केच बन जाता है, तो वीडियो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, फिर डिलीट कर देता हूँ मैं वीडियो। बाकी आज चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो भाई शीट तो मैंने अच्छे से अंदर रख दिए, मतलब ठूस दिए क्योंकि उसमें जगह नहीं थी और मैंने ऐसे ही थोड़ा सा हल्का मुड़ गई है साइड से, बट अब रख दिए तो इसको ही अंदर ही रखे रहने देते हैं। और इसी से आगे वाली चेन में अपन सारे ये रख लेते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है बैग। इसके अंदर मतलब 4 चेन है, तो इसमें बहुत सारा सामान मैं रख सकता हूँ, बट अभी खाली लग रहा है। और इसको मैं कुछ ऐसे पहनूंगा, ऐसे कुछ पहनूंगा, या फिर ऐसे भी पहन सकते हैं। अभी मैं पहले अपने ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको पहन के बताता हूँ, देखते कैसा लगता है। तो भाई ये पहन ली ड्रेस और ये रहा अपना, तो इसको डालने का है, कैसे डालें। अबे यार ये तो बस कंडक्टर वाला लग रहा है शायद इसको ऐसे कुछ पहनते हैं, या फिर यहाँ से नहीं तो अटक गया, ऐसे भी कुछ पहन सकते हैं। तो मैं अभी ऐसे ही पहन के रखूंगा, ऊपर से जैकेट डाल लेता हूँ एक। व्हाइट पेन तो भूल ही गया था, मेन तो ये है जिससे अपन हाईलाइट करेंगे चीजों को। और ये सेल्फी स्टिक भी रखी लेते हैं, कभी भी काम आ सकती है। भाई यार घड़ी भूल गया यार मैं अपनी, अम्मे को सिर्फ बोल के आपको टाइम बताना पड़ेगा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ फिनिक्स मॉल या फिर 56 दुकान, दोनों में से सोच रहा हूँ किधर जाऊँ। भाई मैं आ चुका हूँ फिनिक्स मॉल और यहाँ पे जो ये खाने का एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो नॉर्मली बस ऐसे ही फालतू टाइम पास करते रहते या फिर कुछ खाते हुए रहते, तो यहाँ पे हम किसी को ढूंढते हैं जो लगे कि जिसका हम स्केच बना पाए। थोड़ा पता है मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया पब्लिक में रिएक्शन और ये व्लॉग बनाने का, पर अभी वापस से आदत डालना पड़ रहा है। काम करता हूँ, मास्क लगा लेता हूँ।
यहाँ पे हम किसी को ढूंढते हैं जो मिल सके स्केच बनाने के लिए। तो भाई अभी एक जगह मिली है मेरे को, ये जो सामने भैया लोग बैठे ना, तो ये वाले भैया का, ब्लू वाले भैया का मैं सोच रहा हूँ बनाने का। अच्छा बनेगा क्योंकि वो सामने ही बैठे हुए हैं और एक ही जगह बैठे हुए हैं। बट यार मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैठने के लिए कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास देखो जो मैनेजमेंट वगैरह है ना, मतलब मैनेजर लोग और ये पता नहीं कौन रहता है, सर्वेंट लोग है ना, वो अपने को देखते रहते हैं कि इनने कुछ लिया नहीं, इसलिए तो मैं कुछ ले लेता हूँ खाने पीने के लिए। तो भाई अभी मैंने ये मिरिंडा लिया है, कुछ तो मतलब सस्ता सा मिल नहीं रहा था तो यही लेना पड़ा अभी पीने के लिए, और साथ में मेरे को दूसरा कोई दिख गया है स्केच बनाने के लिए। मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है ऐसा वीडियो शूट करने में, बट ये जो दीदी दिख रही है ना, इनका अपन स्केच बनाने वाले अभी। तो भाई अभी मैं ये बीते बीते स्केच बना लूंगा, तो अभी आप म्यूजिक के साथ देखो, क्योंकि अगर मैं अभी ब्लॉगिंग करूंगा ना तो स्केच नहीं बना पाऊंगा, तो अभी मैं ड्रॉ करना चालू करता हूँ। बाकी टेस्ट तो बढ़िया मिरिंडा का। भाई मैं एक हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ के रखा है, तो फ़ोन को बंद करना पड़ेगा। थोड़ा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना बना के दिखाते जाता हूँ। खड़े में बनाना पड़ रहा है वीडियो, बिकॉज पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा था। तो अभी जो बेसिक चीज है ना वो बन गई है, और ये जो केन थी ना वो मैंने मिरिंडा की बना दी, क्योंकि मेरे पास मिरिंडा ही रखी हुई थी। और इसके अलावा ड्रेस में मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, तो वो कभी भी जा सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर देते अपन अपने व्हाइट पेन से, और बस इसको ज्यादा डिटेलिंग नहीं करते इसमें, अगर ज्यादा कुछ करेंगे ना तो यार फिर वो ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई ज्यादा ही रियलिस्टिक बन गया। इसमें अपन जल्दी जल्दी के हिसाब से बना रहे हैं, तो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं बनाएंगे। देख लो व्हाइट पेन से ऐसा हल्का हल्का शाइन आ जाता है हर जगह पे, जैसे आप देख सकते हो। अभी कैन पे भी हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट चला देते। यार मेरे आसपास से ना पता नहीं कितने लोग निकल गए, वो ऐसे देखते हुए गए, मेरे को सुनाई आ जाती उनकी बातें, बट मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं हूँ कि क्या बोल रहे वो, तो फालतू आके पूछ लेंगे। अभी ड्रेस में थोड़ी सी कमी लग रही है इसमें, उनकी ड्रेस में भी देखो आप कितनी ज्यादा डिटेलिंग है, मतलब ऐसा ऐसा डिजाइन बना है, मैंने तो बस ऐसे ही कुछ तो भी डिजाइन बना दिया। तो भाई अपना स्केच रेडी हो चुका है, कुछ ऐसा लग रहा है। ये जो दाग दाग है ना ये मैं अभी रफ कर देता हूँ, बाकी अब चलते हैं उनके पास और उनका रिएक्शन कैप्चर करते, देखते हैं कि उनको अब आगे का स्केच कैसा लगता है। बाकी अच्छा हो गया कि मैं अपना सेल्फी स्टिक ले आया था, अगर ये नहीं लाता ना तो अच्छे से लगा नहीं पाता मैं, और अच्छे से आपको वीडियो दिखा नहीं पाता कि कैसा बन रहा है स्केच। बाकी एक सिग्नेचर भी कर दूं क्या? चलो रहने देता हूं, इसको सिर्फ रफ कर देता हूं सिग्नेचर, शायद अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो, इसलिए उनसे पूछ लूंगा कि सिग्नेचर कर सकता हूं कि। चलो ये हो गया अपना स्केच रेडी। यार मैं एक चीज तो करना भूल ही गया, जो ये इरेजर था ना, ये इरेजर का थोड़ा सा पार्ट लेके ये जो डार्क डार्क है इसको थोड़ा सा लाइट लाइट कर देते अपन, क्योंकि ज्यादा ही डार्क लगे तो फेस जो है ना थोड़ा काला काला सा लगेगा। ये हो गया यार, अब मेरे को उठ के आना पड़ा, अपना स्केच रेडी हो गया। जिसका स्केच बनाया वो तो जा रहे हैं, तो अपन उनको रोक लेते हैं, बस जाने ही वाले। एक्सक्यूज मी, मैंने आपका स्केच बनाया था अभी, कैसा लग रहा है स्केच? तो बहुत ही अच्छा है। और ये आपने कब निकाल लिया? अभी जब आप मिरिंडा पी रहे थे ना, नहीं कुछ तो पी रहे थे। ओके। तब। ये स्केच तो बहुत ब्यूटीफुल है, पर आपने कितने टाइम में, आपने इतनी जल्दी निकाल लिया? हाफ एन आवर बहुत ज्यादा होता है, मैं तो 10 मिनट में बना देता हूँ स्केच। अभी उतना डिटेल नहीं लग रहा है, पर वो क्या जल्दी जल्दी में, मेरे को लगा आप चले जाओगे, तो मैंने सोचा अभी आधा ही रहने देते, क्योंकि आप जाने वाले थे ना इसलिए। हाँ शायद। बहुत ही अपना अपना नाम क्या बताया? हार्दिक सोनी। हार्दिक बहुत ही अच्छा स्केच है, स्पेशली यू नो मेरी जॉलाइन इतनी अच्छी बनी बनाता। हाँ मैं यूट्यूब के लिए बना रहा था वीडियो। हाँ ओके,
आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ, यूट्यूब चैनल है, तो उसके लिए मैं ऐसे मॉल वगैरह में बैठ के स्केचिंग करते रहता हूँ। ओके, तो बेसिकली क्या है आपके यूट्यूब चैनल में? स्केच ही है बस, और व्लॉगिंग करता हूँ कभी कभी, और थोड़ा बहुत स्केच से रिलेटेड ऐसा कुछ बनाते रहता हूँ। तो ये मैं रख सकती हूँ अपने साथ? हाँ बिल्कुल, आप फ्रेम करवा लेना, अच्छा लगेगा आपके पास रख के। थैंक यू फॉर दिस, एंड मेरा भी यूट्यूब चैनल है। अच्छा, तो मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप क्या व्लॉगिंग या फिर कुछ और? हाँ, तो मेरा फैमिली व्लॉगिंग चैनल। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपके चैनल का? नाम क्या? पांडे पूनम। पांडे पूनम, yes. अच्छा, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा या फिर स्क्रीनशॉट लगा लूंगा, तो जितने लोग भी देख रहे एक बार जाके चेक कर लेना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ अगर ये स्केच इन्होंने इतनी जल्दी इतना अमेजिंग निकाला है, तो आई होप कि ये लोग, यू नो, अगर इनको ज्यादा टाइम मिले तो ये मिरेकली करेंगे। थैंक यू फॉर दिस आदित, और मुझे थोड़ा सा एक्चुअली काम है और थोड़ी जल्दी है। हाँ बिल्कुल, आप कभी आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कभी आप देखोगे तो हार्दिक सोनी आर्ट्स करके कुछ है, तो आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू। वो तो चले गए, बट अभी अपन थोड़ा सा और घूम लेते ऊपर ऊपर, क्योंकि अभी हाँ अपना नाम लिख दो या, you know, अच्छा हाँ बिल्कुल नाम लिख देते हैं। so मैं सोच रहा था पहले कि सिग्नेचर कर दूँ यहाँ पे, सिग्नेचर की नाम लिख दूँ, चैनल का नाम लिख दो। अच्छा, मैं होल्ड कर लेती हूँ। तो भाई घर आ गए और अभी के थोड़ा सा सर दुख रहा है, बाकी एक चीज दिखाता हूँ आपको। देखो अपना नया स्केच, आउटलाइन से आपको पता चल गया कि कौन है, बाकी आप गैस कर सकते हो कि कौन हो सकता है ये। आउटलाइन से तो वैसे बहुत लोगों को पता ही चल गया होगा, बाकी डिटेल में नहीं दिखाता हूँ आपको, तो रिवील हो जाएगा सब चीज। अभी मैं रजनीश भाई के ब्लॉग देख रहा था, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग बनाते हैं, और शॉर्ट आउट टू रजनीश भाई। यहाँ पे देखो आप स्केचेस देखो भाई, कितनी ज्यादा रियलिस्टिक है भाई, इतना मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि स्केच बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ है, इतना ज्यादा रियल लग रहा है। तो बहुत ही मजा आ जाता है ऐसे स्केचेस देख के कि भाई इतनी ज्यादा डिटेलिंग कैसे हो सकती है किसी स्केच में। बाकी एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ आपको, मैं बनाने वाला हूँ मेरे जितने भी स्केचेस है ना, उनमें से सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और डिटेलिंग वाले स्केचेस, अभी नहीं, मेरे एग्जाम्स आ रहे, एग्जाम्स के बाद मेरे कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स है और सिंगर्स है, उनका बनाऊंगा और उन तक पहुंचा भी दूंगा। मेरे को पता है मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ, बट पहुंचा दूंगा जैसे भी करके, और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अभी नहीं, एग्जाम्स खत्म हो जाए मेरे तब। अभी तो क्या एग्जाम्स आने वाले, तो ज्यादा कोई वीडियो आने नहीं वाले, बट एक वीडियो जो मैं अभी डालने वाला हूँ थोड़े दिन बाद, उसमें मैं अपने मम्मी पापा का स्केच बना के उनको देने वाला हूँ और उनका रिएक्शन आपको बताऊंगा कि कैसा रहता है। मम्मी बहुत दिन से बोल रही थी कि उनका स्केच बनाने का, और इसके अलावा ये जो स्केचेस है ना, ये सब हम निकाल के एक एग्जीबिशन में लगाने वाले, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा सा वीडियो में ही, अभी बता दूंगा तो सब चीज रिवील हो जाएगा। तो भाई आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अभी क्या थोड़ा मेरे को फीवर आ रहा है, तो अभी मैं ज्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाऊंगा, बाकी बैक टू बैक वीडियोस आने वाले एग्जाम्स के बाद, अभी तो नहीं, अभी एक आध डेढ़ महीने बाद ही ये वीडियोस बनाना स्टार्टिंग करूंगा, और आपको उन वीडियोस में नया हार्दिक देखने को मिलेगा, तो मचा डालेंगे। मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बाय।